Hello friends, welcome to another video of the Skill Dominators. As you all know, I am Manish and today I am here to tell you how to improve your dribbling at home. Today we will make this video as a Hindi version. So without any further delay, let us get started. आप लोग में से कई लोग सोचते होंगे कि घर पे बैठ के ही वीडियो देखने से सोकर वीडियो देखने से फुटबॉलिंग स्किल्स की बड़े बड़े चैनल की फुटबॉलिंग वो कैसे स्किल्स करते हैं वो देख के आप स्किल्स सीख जाएंगे. पर मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं भी पहले ये नहीं करता था कि सो के स्किल्स देखता था और सोचता था कि मैं ग्राउंड पे कर लूँगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है. ग्राउंड में स्किल्स करना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सो के बस वीडियो देख के आप अपनी ड्रिबलिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, आप स्कूल में अच्छा खेल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत एक दो दिन की नहीं, एक दो महीने करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकें घर में. तो आज मैं आपको, जैसा कि आपने वीडियो टैग में देख ही लिया होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपनी फुटबॉल की ड्रिबलिंग घर ही पर इम्प्रूव करें. तो घर पर इम्प्रूव आप फुटबॉल की ड्रिबलिंग कर सकते हैं घर ही पर बस 30 से 40 मिनट की प्रैक्टिस जो कि आपको डेली करनी होगी, उसके ही बेसिस पे आप अपने घर पे ही बैठे घर पे ही प्रैक्टिस करके ड्रिबलिंग अच्छी बना सकते हैं, दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं. अपनी फुटबॉल की लाइनअप में, स्कूल की लाइनअप में आप जा सकते हैं, आप दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहली स्किल आपको ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है. स्टेप वन, आपको बॉल को ऐसे होल्ड करना है, ऐसे करके. स्टेप टू, बॉल को अपने करीब खींचना है, ऐसे ऐसे. और स्टेप थ्री, बॉल को आगे की तरफ मारना है. और स्टेप फोर, तो वापस बॉल को रोक देना है. तो ये आपको 25 से 30 बार करना है, ऐसे ऐसे आपको करना है. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है. इसे मैंने चार स्टेप्स में, इसी स्टेप में डिवाइड किया है, और बेनिफिट्स मैं आपको इसके बाद में बताऊँगा. तो स्टेप वन, आपको अपने पेट के ऐसे खड़े होना है. उसके बाद आपको ऐसे बॉल को अपने राइट पैर से लेफ्ट की ओर मारना है, से लेफ्ट को राइट, लेफ्ट पैर से बॉल को राइट की ओर मारना है, ऐसे. और ये आपको 50-60 टाइम्स करना है. इसके लिए दोस्तों आपको 3 से 4 बॉटल एक स्ट्रेट लाइन में रखनी है. मैं चेंज ऑफ डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ. इसके लिए आपको देखिए, जैसे मैंने प्लेस करा है 3 से 4 बॉटल एक ही लाइन में, आपको वैसे ही प्लेस करनी है. और इसके आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है प्रैक्टिस. तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे करना है, मैं साथ करता हूँ. आपको ऐसे चेंज करना है डायरेक्शन, अब इसे सीखने के लिए मैंने इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है. स्टेप वन सेम, टो पे खड़े हुए ऐसे करके टो पे. स्टेप टू, बॉल को टो से रोकिए, ऐसे करके रोकिए. बॉल को लेफ्ट डायरेक्शन में लाइए, जो कि स्टेप थ्री है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है. और स्टेप फोर, बॉल को सीधा मार दीजिए, बॉल को सीधा मार दीजिए, ठीक है. अब आपने मान लीजिए स्किल्स तो सीख ली, पर आप एक ही दिन में ये करके आप अगर सोचेंगे कि मुझे आप जाके कुछ करेंगे और आपसे नहीं होगा, सोचेंगे कि इसे क्यों नहीं आया, ये
ये तो एक दिन की बात है ही नहीं, आपको 2-3 महीने के लिए इसे 50 से 60 बारी हर एक को, हर जो मैंने 5 टिप्स बताई हैं, पांचों को 50-60 बारी करना है। और ये पांचों मिला के 30 से 40 मिनट आपके ले सकते हैं, तो 30 से 40 मिनट लेंगे ही लेंगे ये, पर बात मानिए 2-3 महीने बाद आप ज़रूर अपने ड्रिबलिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखेंगे और इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी।